19 तहत जिथे पूरा विश्व कोरोना वायरस की महामारी की मार चल रहा है, उथे नाल ही विश्व के हर देश हुण इसकी वैक्सीन तैयार करने विच लगे हुए ने। इंग्लैंड ने तो अपने वड्डा बजट इस कोरोना वायरस की वैक्सीन ते लगा दिता है, उसके नाल ही यूएसए विच भी अते विश्व के सारे विकासशील देशों विच एक वड्डा बजट इसकी वैक्सीन बनाने विच लगा हुआ है। खुद चीन भी जिहड़ा के खास तौर पर कोरोना वायरस लई जुम्मेवार समझा जाता है, उसका भी सारा ध्यान हुण इस गल ते है कि जल्द तो जल्द इसकी मेडिसिन बनाई जाए। पर बाबा रामदेव जी पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अज आयुर्वेदिक दी दुनिया दे विच कोरोना वायरस लई खास दवाइयां आजाद करन दा दावा कीता है। अज हरिद्वार विच प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन करदिया बाबा रामदेव ने कहा कि अज दा दिन इतिहासिक दिन है, क्योंकि आयुर्वेदिक दे जरिए असी कोरोना वायरस दी इस महामारी नूं रोकण लई अते खास तौर ते इस तों बचण दे लई एक खास किट तैयार कीती है। की है बाबा रामदेव वालों किट? पर उस तो पहला जानकारी दिने आ कि 500 साइंटिस्टां ने रल के खोज करके इस वड्डी दवाई नूं बनाया है। एक खास तौर पर कोरोना किट विच तीन खास तौर पर दवाइयां, जिन्हां विच सब तो पहला कोरोनिल है जो कि ग्लो अश्वगंधा अते तुलसी दे मिश्रण नाल बनी हुई है। इस तो अलावा एक खास तरह का तेल भी आजाद किया गया है जिसका नाम रखा गया है अनुतेल। नक दे जरिए इसनूं कोरोना वायरस लई उपचार दे तौर ते वरते जाण दा संकेत दिता है। इस तो अलावा सब सारी तीसरी जो मेडिसिन है उसनूं भी इजाद किया गया है। कुल किट जो है वह 545 रुपए की मिलेगी, तो आने वाले 7 दिनों के किट मार्केट में उपलब्ध होएगी। इस तो अलावा बाबा रामदेव उन्होंने दसिया कि ये जेकर तुसी होम डिलीवरी भी करते हो तो एक ऐप जो है उन्होंने दसिया है जिस राही तुसी इस किट नूं घर भी मंगवा सकते हो। की रहा खास तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस विच बाबा रामदेव दी, आओ देखते। अर्थात पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए, यह इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। ये कोरोनिल है, ये श्वासारी है, तो एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। श्वासारी जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर सबसे पहले काम करता है, और क्योंकि सबसे पहले जो अटैक करता है कोरोना हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, हमारे एल्वोलाइज पर अटैक करता है, उसको एक्यूपाई करके उसके अंदर के ऑक्सीजनेशन को कम कर देता है। और इसीलिए जब बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है ऑक्सीजन की और हमारे फेफड़ों के जो एल्वोलाइज वो कम काम करना शुरू कर देते हैं, तो फिर बाहर से उसको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देने के लिए वेंटिलेटर पर जाना पड़ता है, और तब भी कई बार बॉडी सपोर्ट नहीं कर पाती है। तो श्वासारी देने से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि कोरोना के अटैक से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। और ये साथ साथ में जो उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, सर्दी जुकाम बुखार, उनको एक साथ डील करती है ये श्वासारी, रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करना और साथ में जो कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस हैं सर्दी जुकाम का फीवर, उनको एक। भारत नूं आयुर्वेदिक दा जन्मदाता कहा गया है, अते जेकर प्राचीन ग्रंथां दी गल कीती जावे तां पुराने समय विच ऋषियां मुनियां ने देसी दवाइयां अते जड़ियां बूटियां दे लई बहुत वड्डे तो बीमारियां दा उपचार कीता है। उस वेले बाबा रामदेव वल्लों पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट अते नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दे सहयोग नाल तैयार कीती इह दवाइयां दी किट आने वाले समय विच कोरोना वायरस लई किन्नी क लाहेवंद होएगी इह तां भविख तय करेगा। पर इन्ना जरूर है कि पूरे विश्व विच आयुर्वेदिक दे खेत्र विच इह पहली खोज मन्नी जाएगी। दी फगवाड़ा हेडलाइन लाइव लई जगजीत चाना दी रिपोर्ट।